नेपाली मीडिया ने एक जो है एक सवाल खड़ा किया है अपनी सरकार की ओर से। ये बोल रहे हैं कि असली अयोध्या नेपाल है, भारत में नहीं है, और भगवान राम नेपाली हैं और अयोध्या के नहीं हैं राम जी। हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो परंपरा है कि राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरयू ही हैं, जितनी दूर सरयू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरयू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरयू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में ही पैदा हुए हैं। राजनीति में तो आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य अयोध्या जहाँ सरयू मैया हैं वो राम जी का अयोध्या वही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूं। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था। केपी शर्मा पहली बात तो खुद नेपाली नहीं है, और जो अपने देश का नागरिक नहीं है वो अपने देश का भला कब करेगा। केपी शर्मा जी पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाने तुले हुए हैं, आज नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से अधिक गांव पर कब्जा कर रखा है, उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। और ये बता दें, भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं, भगवान राम ने जा करके नहीं, नेपाल में कालांतर में धनुष भंग किया, माँ जानकी से विवाह किया, नेपाल की पहचान पूरी दुनिया बनी। आज अगर नेपाल की पहचान पूरी दुनिया में है तो इसलिए केपी शर्मा नहीं दिलाई है, वो भारत और नेपाल के संबंधों से पहचानी जाती है। केपी शर्मा चीन की गुलामी करते हुए नेपाल की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं, अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए। वो भगवान राम को नेपाली बता दें, हनुमान जी को नेपाली बता दें, उनके बताने से कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया जानती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे। केपी शर्मा का दिमाग सटक गया है, वो नेपाल वासियों के साथ धोखा दे रहे हैं और इसका दुष्परिणाम नेपाल की जनता को भुगतना पड़ेगा। नेपाल की जनता को चाहिए कि खुलकर सड़क पर आए और केपी शर्मा को दिखा दें केपी शर्मा कितना बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। एक पागल व्यक्ति कहने से हम अपना संबंध नहीं तोड़ सकते हैं।